फ्रेंड्स, मुमताज़ किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन सूप। तो हमने यहाँ पर 200 ग्राम चिकन लिया है और चिकन को हमने यहाँ पे धो के रख लिया। चलिए मैं बताती हूँ इसमें हम क्या क्या डालेंगे। तो हमने थोड़ी सी यहाँ पर हरी प्याज ली है, इसको कट के रख लिया है, और थोड़ी सी हमने यहाँ पर कॉर्न ली है वो डालेंगे, एक गाजर ली है वो डालेंगे, इसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। थोड़ा सा हमने यहाँ पर अदरक और लहसुन लिया है वो डालेंगे इसमें, उसको हमने काट के रख लिया है। थोड़ी सी हमने यहाँ पर काली मिर्च ली है वो डालेंगे इसमें। चलिए तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, रिफाइंड ऑयल। यहाँ पर हम एक तेज़पत्ता डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे चुटकी भर। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन को हमें 2 मिनट तक फ्राई करना है। अच्छे से फ्राई करेंगे चिकन हम। ऐसे ही फ्राई करेंगे हम चिकन को। एक चम्मच नमक डालेंगे। अब हम इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। यहाँ पर हमने इसको 10 मिनट तक पकाया है। चलिए तो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। चिकन हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे इसी पानी में, जिस पानी में हमने बॉईल किया था चिकन। थोड़ा सा हरा प्याज हम बचा लेंगे। अब हम इनको पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारी सब्जियाँ अच्छे से पक चुकी हैं। अब हमने चिकन को हड्डी से निकाल लिया था, छोटे छोटे से हमने इसके पीसेस कर लिए थे हल्के हल्के से। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। बस यहाँ पर हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे। चलिए तो 1 मिनट हो गया है। अब हम इसमें काली मिर्च डाल देंगे। 2 चम्मच हमने काली मिर्च डाली है। अब हम इसमें 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ले रहे हैं वो डालेंगे इसमें। हमने इसमें पानी मिक्स कर दिया था, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। इससे थोड़ा गाढ़ापन आ जाता है। यहाँ पर हमने एक अंडा लिया है, अंडा डालेंगे।
अब हम इसमें आधा नींबू डालेंगे। नींबू से इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। चलिए, तो हमारा सूप रेडी है, अब हम इसको सर्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सूप रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।